तो एक और नए सुपर हीरो से रिलेटेड एक वेब सीरीज आई है। मैं इस सीरीज को देख रहा था, मैं यही बार बार सोच रहा था इसके अंदर नया क्या है। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा जुपिटर लेगेसी वेब सीरीज के बारे में, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अभी तक इसका फर्स्ट सीजन आया है, जिसके अंदर 8 एपिसोड है और हर एक एपिसोड तकरीबन 40 से 45 मिनट के, और सबसे अच्छी बात या खुशी की बात यह हिंदी में मिल जाएगी। तो अब इस वेब सीरीज की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। 6 लोग दिखाए गए हैं जिनके पास पावर होती है। उनके पास पावर कहाँ आती है एक्चुअल में पता नहीं चल पाता, लेकिन इन्होंने दिखाने की कोशिश की है, बट वो ना दिखाने के बराबर ही है यार, कि हाँ हमें मानना ही पड़ता है कि इनको पावर मिल गई है। तो ये 6 लोग अमेरिका के अंदर शांति लाने की कोशिश करते हैं। जब ये बूढ़े होते हैं तो इनके बच्चे होते हैं, तो वो बच्चों के पास भी पावर आती है। अब ये बच्चे भी अपने बाप की जगह, अपने पिता की जगह या फिर अपने पेरेंट्स की जगह पर आकर अपने इस काम को आगे बढ़ाते हैं। अब जब ये बूढ़े जो हो गए होते हैं, इन्होंने एक कोड बनाया होता है, वैसे इनको यूनियन कहा जाता है, तो इन यूनियन जो पुराने जो बूढ़े लोग हैं, इन्होंने एक कोड बनाया होता है कि भाई किसी को ये मारेंगे नहीं, किसी की आजादी नहीं छीनेंगे, किसी को डराएंगे नहीं, बिल्कुल उनको जो अपराधी हैं उनको पकड़कर पुलिस के हवाले करेंगे, सारा कानून के तहत ये काम किया जाएगा, भले इनके खुद के साथी मर जाएं। लेकिन जो ये यंग सुपर हीरो हैं, ये इस कोड के नीचे दबते जा रहे हैं, जैसा इस सीरीज के अंदर दिखाया गया, क्योंकि इनके साथी मर रहे हैं और ये हाथों मतलब बंधे हुए हैं, ये किसी को मार नहीं पा रहे हैं। बेसिकली स्टोरी तो यही है कि सुपर हीरो है वो विलन से लड़ रहे हैं या अपराधियों से लड़ रहे हैं। इसको इंटरेस्टिंग या फिर थोड़ा पेचीदा बनाने के लिए इसके अंदर जो एक कॉन्सेप्ट घुसेड़ा गया है, वो जानबूझकर वो इसमें आइडियोलॉजी वाला और ये कोड वाला ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट सा घुसेड़ा गया है। इसके अलावा इस सीरीज के अंदर परिवार में जो एक सुपर हीरो का जो परिवार है, उसके अंदर जो ऊंच नीच जो चल रही है, ऊंच नीच इन द सेंस कि भाई ये बेटी जो है वो बाप की नहीं सुन रही है, बेटा बाप के काबिल बनना चाहता है कि भाई मैं अपने बाप को काबिल बन के दिखा दूं, भाई जो है वो गद्दी पाना चाहता है, सेम फंडा जो हमने बहुत सारी वेब सीरीज में देखा हुआ है जो पॉलिटिक्स चलती है। स्टार्टिंग में ये वेब सीरीज इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन धीरे 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 देखते चलते हैं यार थोड़ा सा बोरियत सा महसूस होने लगता है। एक तरीके से ऐसे समझो कि यार जब आप इसे देखोगे तो यही दिमाग में आएगा कि यार कि क्यों है, क्या है, किस लिए चीजें चल रही हैं। एक तरीके से क्योंकि सास भी कई बहू थी, उसमें पावर वाला कॉन्सेप्ट या आइडियोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट घुसेड़ कर आपको दिखाया जा रहा है। ऐसा मुझे इसके अंदर कुछ भी नयापन नहीं लगा जो मैंने बहुत सारी वेब सीरीज देखी उनके अंदर था। मतलब कि मैं कंपेयर करूं द बॉयज वेब सीरीज से या अम्ब्रेला अकेडमी से इसको कंपेयर कर लूं, क्योंकि उनके अंदर भी सुपर हीरो वाला कॉन्सेप्ट था, इवन वो बेटर थी इस जुपिटर लेगेसी से। इस सीरीज के अंदर एक जो कॉन्सेप्ट इन्होंने बार बार दिखाया, जिससे मैं पक गया कि एक बाप अपनी बेटी को समझा रहा है। पूरी सीरीज के अंदर मैंने यही देखा कि एक बाप अपनी बेटी को समझा रहा है कि तू मेरे असूलों पे चल। बेटी कहती है मैं तेरे असूलों पे नहीं चलूंगी, मैं तो अपने असूलों पे चलूंगी। ठीक है भैया चलो, तुमने एक बात ये चीज समझा, लेकिन इससे आगे भी तो बढ़ो यार, कितनी बार ये चीज दिखाओगे। अब बात करें इस वेब सीरीज के VFX की, वो ठीक ठाक ही लगे मुझे, कहानी भी ठीक ही है, कोई इतना नयापन नहीं था इस सीरीज में। हाफ एपिसोड बीतने के बाद बस मैं इसको स्किप ही कर रहा था, मतलब यार ये चीजें चल के आ रही हैं, नींद आ रही थी सच में, लिटरली मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने इसको बंद किया। फिर बाकी के जो हाफ एपिसोड है मैंने इसको बाद में कवर किया था। मे भी ऐसा हो सकता है कि मैंने बहुत सारी वेब सीरीज देख रखी हैं, तो इसके अंदर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा नयापन, शायद आप लोगों को लग सकता है, तो मेरे थॉट तो अलग हो सकते हैं आपसे, जरूरी नहीं कि आप मुझसे सहमत करो। कुछ सस्पेंस है इस वेब सीरीज के अंदर और डेफिनेटली वो आप अच्छे से भांप जाओगे कि यार हाँ ये बंदा जो है इसमें कुछ ना कुछ घपला करने वाला है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप भांप जाओगे। देखो फर्स्ट सीजन तो ठीक ठाक ही था, ठीक से भी मतलब ठीक ही था, इसकी स्टोरी भी इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, थोड़ा बहुत आप लोग इसको देख सकते हो, फर्स्ट टाइम वॉच तो कर सकते हो। मे बी इसका जो सेकंड सीजन आए वो इंटरेस्टिंग हो, स्टोरी को अलग लेवल पे लेके चला जाए, क्योंकि आने वाला है कि जिस मोड पर खत्म किया है वो कहीं पर भी एंडिंग नहीं है। तो इसका सेकंड सीजन आएगा, जब आएगा शायद वो अच्छा हो सकता है। मे बी आप लोगों को ये सीरीज फर्स्ट सीजन भी पसंद आ सकता है, तो मेरे ऊपर कुछ भी ब्लेम मत करना, मैंने अपनी सोच बताई है बिल्कुल, मतलब कोई भी ना इधर ना उधर बीचों बीच में अपने आप को रखकर। तो मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 5.5 out of 10। सर अगर आप लोगों ने ये वेब सीरीज देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को क्या लगता है, और जिन्होंने नहीं देखी तो मैं उनको कहूंगा ये फर्स्ट टाइम वॉच है। अगर आप लोगों ने कोई सुपर हीरो वाली ऐसी नहीं देख रखी तो आप शायद आपको ये पसंद भी आ सकती है, और हिंदी में भी है तो आपको आसानी होगी इसको समझने में। वल्गैरिटी की बात करूं तो इसके अंदर वल्गैरिटी नहीं है, वॉयलेंस इसके अंदर है, तो बस अपने रिस्क पे देख लेना इस चीज को। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।